एक बार एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक दूधवाला रहता था। जैक समय की पाबंदी और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वह भोर होते ही उठ जाते थे और ग्रामीणों के दरवाजे पर ताजा दूध पहुंचाते थे। जैक के पास पूसी नाम की एक शरारती बिल्ली थी। पूसी हमेशा किसी न किसी तरह की शरारतें करती थी और जैक के दूध के चक्कर में उसका साथ देना पसंद करती थी। जैक को बिल्ली के आसपास होने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे बिल्ली का साथ काफी मनोरंजक लगा। एक दिन सुबह जब जैक एक जग में दूध डालने में व्यस्त था, पूसी बिल्ली ने एक चूहे को रसोई के फर्श पर दौड़ते हुए देखा। एक सेकंड बर्बाद किए बिना पूसी ने माउस पर झपट्टा मारा, जिससे बहुत हंगामा हुआ। इस प्रक्रिया में पूसी बिल्ली ने गलती से दूध के जग पर दस्तक दी, जिससे यह रसोई के फर्श पर फैल गया। गंदगी देखकर जैक ने एक लंबी आह भरी और जल्दी से साफ करने के लिए एक पोछा लेने चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि पूसी अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। जब जैक गिरे हुए दूध को पोंछने में व्यस्त था, पूसी बिल्ली ने दरवाजे के पास दूध की बोतलों की जांच करने का फैसला किया। जैसा कि पूसी बिल्ली ने उत्सुकता से चारों ओर सूंघ लिया, उसने गलती से बोतलों में से एक को गिरा दिया, जिससे एक चेन रिएक्शन हो गया। एक एक करके बोतलें डोमिनोज की तरह नीचे गिरी, जिससे जोर से टकराने की आवाज पैदा हुई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण बाहर दौड़ पड़े और देखने लगे कि क्या हो रहा है। उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने जैक को दूध के समुद्र के बीच खड़ा पाया, जिसमें पूसी बिल्ली दोषी बनकर कोने में खड़ी लग रही थी। यह नजारा देख ग्रामीण ठहाके लगाकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जानते थे कि पूसी बिल्ली दूध तबाही के पीछे का मास्टरमाइंड थी। पहले तो जैक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने गांव वालों और छोटे बच्चों को हंसते देखा, तब जैक उनके साथ हंसे बिना नहीं रह सका। उन्होंने महसूस किया कि पूसी बिल्ली का शरारती स्वभाव हर किसी के दिन में खुशी और हंसी का एक पल लेकर आया था। उस दिन के बाद से गांव वालों ने मूंछ को प्यार से मिल्क बैंडिट नाम दिया और जैक और पूसी बिल्ली गांव में चर्चा का विषय बन गए। तब से पूसी बिल्ली जैक के साथ उसके दूध के दौरों पर जाती रही, जिससे ग्रामीणों का बहुत मनोरंजन हुआ। जैक ने दूध की बोतलों के साथ अतिरिक्त सतर्क रहना सीखा और पूसी बिल्ली उसने कभी भी तलाशने और शरारत करने का मौका नहीं छोड़ा। और इसलिए दूधवाला और उसकी शरारती बिल्ली एक मजेदार जोड़ी बन गए। जहां भी वे गए, हंसी और उल्लास बिखेरते हुए, सभी को यह याद दिलाते हुए कि सबसे अनाड़ी दुर्घटनाएं भी खुशी के यादगार क्षणों में बदल सकती हैं। आप लोग भी इसी तरह हंसते मुस्कराते रहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।